आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।
अभी हमको ओम राम रीम रूम रूरा असी अहुसा पूजा प्रतिज्ञा करो मैं हम ओम राम रीम रूम रूरा असी अहुसा श्रीकार लेखनम करो मैं स्वाहा। अभी थोड़ा सा ओम प्रेम सम्यक दर्शन का चरित्राय नमः श्री पीठ पूजनम करोमि स्वाहा। यहाँ पर उपस्थित हो सभी हमारे इस महोत्सव में शामिल हो और इस महोत्सव को निर्विघ्न संपन्न कराएं। अर्घ्य लेकर भगवान को अर्घ्य चढ़ाना है। कोटि स्थिति निसिकिना सुविदर्शनेन निर्दिधर्मि करसो दीन नायकस्य नीरांजनम स्थिति दूरते विगुर्वे ओम रीम समस्ति नीरांजन गिर्वे नीरांजनम करोमि स्वाहा। अभी हमें विधान की क्रिया करना है, जो बाकी क्रिया जो कलश वगैरह बाद में करेंगे, पहले हम अपना दीपबंधन और वो कर लेंगे।
नमो रिंदाणम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे स्तंभस्थाफूलम ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां श्री वीतरागाय नमः ओम नमो वज्राय तौरस गिरस प्रवर्तस विमा वज्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुए सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय कृष्णकराय सत्य ज्ञानाय संबंधिशियालिका श्रवक श्राविका भूख चतुर्सतो सर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अवर्मस्मा कर्म प्रत्योम अधिकामम अधिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वोत्सर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम् सर्वराजभयम् सर्वचोरभयम् सर्वविष्टभयम् सर्वप्रजभयम् सर्वचक्रभयम् सर्वपरमन्त्रम् सर्वशूलरोगम् सर्वक्षयरोगम् सर्वकुष्ठरोगम् सर्वकौलरोगम् सर्वधर्मारिम् सर्वगजमारिम् शिरोवश्यमारिम् सर्वगोमारिम् सर्वैश्वारिम् सर्वधान्यमारिम् सर्वक्षमारिम् सर्वदलमारिम् सर्वत्रमारिम् सर्वशुमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्ववेदान साकिनाग्निमयम प्रवेदिनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चपरिकम देव बलस्वामी शांतिम सर्वज्ञानदरम सर्वव्यानदरम सर्वकुलानदरम सर्वसेवानदरम सर्वलोकानदरम सर्वदेशानदरम सर्वेत्मानदरम ശ്രീമാനാഗേ छोटी में छोटी में
एक छोटी सी और भेज दूंगा, एक चंद चंद भैया आप लोग सभी पूरी स्थान बैठे हैं। आशीर्वाद स्थापित करने की बात है। अक्ष पद के देवी तन पामिती
उत्तमी मार्ग मानी 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 म
धरीदे संतोष करो साची जवानी को सतवानी जरी हो सके Thank you.
ओमी सर्वेश्वर का सीट जितने का जितना है पंचम होता है आयोग के पास नहीं स्पर्धा जितनी प्रभु देशन मध्यविचार पुरी पूजों पर देखी सो जो पांव सुसान के इतिहास का दंड जितना है अदर सुमुष्टा हवाई ना अदर विषय कारण है सार अदर मोम सनी तो भोग संसद की कर देखो भाई उस पांच लिख शिमानी आगे तो सर्व विषय शब्द बनता है पा राम और
तीन अक्षर से मिलकर एक शब्द बनता है पर पा रा और पा। तो कहते हैं पा से पापों का, राशि रग रग तक, पी से विसर्जन करना, अच्छा पापों का रग रग से विसर्जन करना इसका नाम है पर्व। तो पापों का रग रग से विसर्जन करना इसमें डिस्ट्रक्शन हो गया, क्या हो गया डिस्ट्रक्शन, महापर्व बन गया। राशि रग रग पासे पापों का, राशि रग रग से और भूमि से विसर्जन करना, पापों का रग रग से जो हमारी रग रग में पाप है उसका विसर्जन करना ये पर्व कहलाता है। वैसे तो आप सभी लोग जैनी क्या है, ये तो मुझसे बोलते इसमें क्या डर लग रहा है, बोलने का क्या नहीं बोलेगा, बोला जैनी तो बोलता हूँ, ये भी नहीं हो गया क्या है, सभी लोग जोर से बोलिए जैनी। लेकिन कौन से जैनी है, जैनी तो बता दिया कि जैनी कौन से है। तो जैनी पांच तरह के होते हैं, कितने तरह के जैनी होते हैं, जैन धर्म के लोग पांच तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है सदैया जैनी, कौन सा होता है सदैया जैनी की नित्य प्रति अर्थात रोज मंदिर जाने वाला जो होता है वह सदैया जैनी कहलाता है, सदैया मतलब सदा मंदिर जाने वाला। दूसरा होता है भदैया जैनी की जो भाद्रपद के महीने में मंदिर जाया करता है, एक सदैया जैनी हुआ करता है, एक भदैया जैनी हुआ करता है। तीसरा जो होता है वह होता है लड़ैया जैनी, अर्थात बताइए कब आता है, जब मंदिर में कोई इलेक्शन हो, मंदिर में कोई समिति बैठी हुई हो, जब मंदिर में बोलने का मौका मिले, तो उस समय क्या होता है कि आपने उसको देखेगा, जब किसी मंदिर में चुनाव की प्रक्रिया होती है तो आप ऐसे ऐसे लोगों को मंदिर में देख लोगे जिसको आपने जिंदगी में देखा। तो कितने हो गए, सदैया जैनी, भदैया जैनी, लड़ैया जैनी, और चौथे नंबर का होता है छुटैया जैनी। क्या होता है छुटैया जैनी की छुट्टी छुट्टी वाले, रविवार शनिवार मंगलवार सोमवार, तो क्या होता है छुट्टी छुट्टी के लिए जाने वाला क्या होता है छुटैया जैनी। हो गए पांच, सदैया जैनी, भदैया जैनी, लड़ैया जैनी, छुटैया जैनी, और एक और रह गया, एक होता है परैया जैनी, कौन सा मरैया जैनी की जब किसी को अंतिम यात्रा में पहुंचा कर आता है तो उसके बाद शुद्धि करने के लिए मंदिर जरूर में आता है। तो इस प्रकार से क्या होता है ये पांच प्रकार के जैनी होते हैं, सदैया जैनी, भदैया जैनी, लड़ैया जैनी, छुटैया जैनी और मरैया जैनी। हम लोग कौन से पांचों की पांच होगी सारे भाई, पांचों छुट्टी में भी आ जाते हैं, उस गाँव में भी आ जाते हैं, सब्जी जाते हैं, सारे पांच प्रकार के जैनी हो सकते हैं। तो आपको थर्मामीटर आपको खुद को नापना है कि हमारा नंबर कौन से जैनी में आ रहा है। तो आज परमाध्याय परिश्रम पर्व का आगमन हो गया। जिस प्रकार से मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है व्यक्ति, मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है राजा। क्या होता है मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है राजा, उसी प्रकार से महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना होता है भाद्रपद का। जिस प्रकार से मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ कौन है राजा है, फलों में श्रेष्ठ क्या है आम है, पशुओं में श्रेष्ठ कौन है शेर है, पक्षियों में श्रेष्ठ कौन है मोर है, उसी प्रकार से माहों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा माह है तो भाद्रपद का महीना है। क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बर्बादी है, 16 कारण पर्व, 10 रक्षण पर्व, गांधी महाराज, सुहाग दशमी, सुगंध दशमी, रोड तीज और अनंत चतुर्दशी, निसर्ग अष्टमी आदि आदि अनेक चंद्र व्रत, पंचमी व्रत आदि आदि अनेक 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 व्रत आ जाते हैं, इसलिए भाद्रपद को सबसे श्रेष्ठ मास कहा गया। और इसमें जो भाद्रपद का महीना होता है, एक ही दशक्षण वैसे साल में तीन बार आते हैं, भाद्र में, चैत्र में और माघी के महीने में। लेकिन हम लोग जैनी जो है ना, हम लोग को एडजस्टमेंट करने की आदत, कैसी है एडजस्टमेंट करने की आदत है। मैंने बताया था आपको कि मैंने एक व्यक्ति को नियम दिया कि आलू का त्याग है, क्या कहा आलू का त्याग, जैसे आप लोग का दस दिन का त्याग है, कई बार त्याग वाले भी होते हैं, तो उसने नियम ले लिया आलू का त्याग है। और एक दुकान पर पहुंचा, वहां पर उसको समोसे खाने का बड़ा मन था, उसने बोले चार समोसे लाओ, चार समोसे आए, बोले इसमें क्या करना है, बोले आलू है प्याज है और दूसरी चीजें थी, क्या करता मुझे पता नहीं है, आप समोसे प्यार दी है अभी आपको हाँ करे जा रहे हैं सब, तो क्या है आलू है सब मटर है जो लोग तमाम चीजें सब चीज़ समझी हुई है, बोले तो और साथ बोलता है मंदिर में नियम लेकर आया महाराज के सामने के आलू का त्याग है, तो
उसने क्या किया कि सारे समोसे को खोला, आलू बाहर निकाला, आलू बाहर निकाला, मटर पलट निकाला, आलू बाहर निकाला, मटर पलट निकाला, फिर उसने पता नहीं तेल लगाया, उसे साफ किया और उसके बाद पपड़ी भर के समोसे खा रहा है। तो अगले दिन मेरे पास आए तो मैंने कहा भाई क्या बात, बोले महाराज जी मैंने आपसे नियम दिया था कि आलू आलू का त्याग है, समोसे की पपड़ी तो खा सकता हूँ। तो उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि तीन बार के परिश्रम पर हम लोग क्या करते हैं, तीन बार बनाते हैं, एक बार काफी अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। तो जो अच्छी तरह से हम लोग परिश्रम पर बनाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहला दिन कौन सा है, उत्तम क्षमा, और सबसे आखिरी दिन कौन सा होगा, क्षमा मणि। क्या होगा, पर्युषण प्रारंभ होता है, लेकिन मंदिर की जो नींव है वह क्षमा से प्रारंभ होती है, और जो शिखर बनता है उसका कलश भी क्या होता है, क्षमा पर ही जाकर होता है। क्षमा से प्रारंभ होगा और क्षमा पर ही जाकर हो जाएगा। क्यों कहते हैं कि जो पूर्व में आपने खोटे कर्म किए हैं तो उससे क्षमा से प्रारंभ कर लो और निश्चित रूप से कसाय होगी, राजदेश होगा, सब कुछ होगा, तो क्षमा वाणी के माध्यम से क्या करिएगा, वापिस क्षमा पाने कर दो। तो उत्तम क्षमा, क्षमा किसे कहते हैं, क्षमा किस तरह की होती है, क्षमा किस प्रकार से हमें करना चाहिए, उसके बारे में विचारा होगी तो आएगा, सीधी सीधी बात है, क्रोध का त्याग करना ही क्षमा का आना है। आपको पता है क्रोध की गति कहां पर होगी, क्रोध की जो गति होगी वह कैसे होती है पता है, क्रोध की जो गति है, क्रोध का जो आवेग है, क्रोध का जो जाने का सिस्टम है वह कैसा है, क्रोध और पानी क्या है, क्रोध और जो पानी है इनकी दोनों की गति एक ही है, कैसी है बताइए, दोनों नीचे की ओर जाते हैं, क्रोध और पानी इन दोनों की गति एक है, दोनों नीचे की ऊपर जाते हैं। अर्थात जब घर में क्रोध आएगा तो क्रोध किस पर निकलता है, बेचारे के लिए कोई व्यक्ति जॉब करता है उसके बॉस ने उसको डांट दिया तो क्या करेगा, बॉस को छोड़ नहीं सकता, जैसे ही घर में आएगा और घर में पत्नी ने क्या किया, भोजन परोसा, बोले रोज कितना दाल में नमक हो जाता है, कल शाम तक जो खाने में कह रहा था कि तुम्हारे जैसा खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया, और 12 घंटे बाद कह रहा कि रोज रोज तू नौ की नमक कर देते मुझे खाने ही। बॉस का क्रोध आदमी से और आदमी का पत्नी, पत्नी पहले के जमाने की पत्नी है, आजकल भी नहीं, मतलब आप सोचो कि आजकल महाराज जी क्या समझ रहे हो, तो पति को कुछ कह ही सकती है सारा। अब उसका पत्नी का क्रोध आया किस पे आएगा, जैसे ही उसका बेटा स्कूल से आया रोज के हिसाब से एकदम जूते पहने पहने माँ की गोद में चढ़ गया, मारो उसको गोद में लेकर जूते के लिए स्कूल दी थी, माँ को गुस्सा होता था, एक थप्पड़ लगा दिया, बोले तू इतना बच्चा रह गया क्या, रोज मुझसे स्कूल आना चाहता है। बेटा सोचता है कल मैंने अपने हाथ से खोली तो माँ नाराज हुई कि मेरे रहते तू लेस कैसे खोलेगा। बेटा भी गुस्सा, पुराने जमाने के बेटे हैं आज के नहीं, तो बेटा भी क्रोध में, अब बेटा क्या करेगा। तो बेटे को जब क्रोध आया तो उसको जो उसको दूध देने वाली आया थी वह दूध देकर आई कि बेटे राजकुमार दूध ले ले, क्या कर बेटे राजकुमार दूध पी ले, उसको गुस्सा आया और गुस्से में उसने आव देखा था और दूध का गिलास फेंक दिया, क्या मुझे रोज रोज दूध पीना, क्या बच्चा रहेगा दूध पीने वाला। अब बॉस को क्रोध आया, जॉब वाले पर निकला, आदमी को क्रोध आया, पत्नी पर आया, पत्नी का आया बच्चे पर आया, बच्चे को आया काम वाली को आया। अब आजकल किसे काम वाली को तो नहीं तुरंत मिल जाएगी, तो उसने सुना काम वाली क्या करे, तो उसने आओ दिखाना और ताओ जो कपड़े धोए थे पटक पटक के दरा 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 बर्तन पटक पटक के मार रही है। ध्यान रखना जिस दिन आपके घर के बर्तन और कपड़े ज्यादा साफ हो रहे हैं समझ लेना कहीं ना कहीं काम वाली को गुस्सा है। अब वो क्या कर सकती है, वो बच्चे को कुछ नहीं कह सकती, मालिक को कह सकते उसे कपड़े दरा दरा कर रही है, कपड़े बर्तन को दरा दरा मार रही है सारा, और क्रोध में जो काम दो घंटे का तक आधे घंटे बैठे सकते। तो क्रोध की मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा जो गति है वह क्या होगी, क्रोध की गति हमेशा नीचे की ओर होगी, हमेशा नीचे की ओर है। उत्तम क्षमा कहो नहीं भाई हमने पढ़ो, अब मंदिर पूजन कर रहे हैं, सास बहु दोनों के पूजन कर रहे हैं, आपने बहु को इंटरेस्ट दे रखा था कि मैं मंदिर से आऊंगी, मुझे 12 बजे फिर मंदिर जाना है, तो जैसे ही आऊं मेरी घर में थाली आप लोग की बहु तैयार कर रखी होगी, तो क्या करना थाली तैयार करके रखना। अब मेरा प्रश्न चल रहा था बहु को अच्छा लगता बेचारी वो पीछे 5 करोड़ पड़ेगी जा रही थी, मैंने सर कोई बात नहीं 5 करोड़ पड़ जाओ। अब जैसे ही वह
घर पहुंची तो टाइम बोले क्या 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। जैसे ही ससुर जी पहुंची वो भी लेट हो गया था, टाइम का चक्कर में पहला था, और जैसे ही पहुंची ताली बोली 2 मिनट वाली। सासू ने जो बोलना चालू किया तो कैसी है तमाम है यूं यूं पर पता क्या क्या कहना चालू किया, इतने पोता आया तो उससे बोले दादी 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 क्या बोला दादी 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 पोते को तो बोल नहीं सकता, बहू को तो बोलेगा पोते को नहीं बोलेगा। तो जैसे ही आया बोले क्या हुआ, बोले आपको देख के मुझे एक बात याद आ गई, बोले आपको देख के मुझे एक बात याद आ गई, क्या बात आ गई, बोले खूब लड़ी मर्दानी बोलो, बोले आप मंदिर में महाराज जी का प्रवचन समाज के ऊपर सुन के आ रहे हो और यहाँ महाराज ने क्या है आप मंदिर में समाज के प्रवचन कर रहे हो और 10 मिनट थाली आने में लेट हो गई तो आपका क्या हो रहा है, इस तरह से दुष्ट हो रहा है, ये रानी झांसी की फेल है, झांसी की रानी की फेल है। क्षमा को ग्रहण करना है, क्षमा को अंगीकार करना है, क्रोध का त्याग करिए, क्रोध का त्याग हो ही नहीं सकता मुझे नहीं आपको नहीं, लेकिन कम से कम जहां बच सके उस समय तो बचने का प्रयास करना ही चाहिए। क्रोध कई कारणों से आता है, व्यवस्था कर दिया मन की ना हो तो आया जाता है, जो चीज चाहते हैं वह ना हो जाता है, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज है जो इंसान के जन्म से साथ में रहती है और मरण तक साथ में जाने वाली है। छोटा सा बच्चा 2 महीने का होता है उसको कोई डांटे तो क्या करता है, वो दूसरा बना ही जाएगा, जिसको 2 महीने के बच्चे को कुछ याद नहीं है, और जो बुजुर्ग आदमी मरण सीया पर है उसको कोई उल्टा सीधा होता है तो उसकी तरफ देखना नहीं चाहेगा। तो क्रोध को जीवन में हटाना है, कैसे हटाना है, अब क्रोध आए तो क्या करें बताइए, क्या करें क्रोध आए तो क्या करें, बोले नमो कर्म पड़ी नमो नहीं होता नमो से कर्म, ऐसे हो गया। एक मैं जंगल में एक बुढ़ी महाराज प्रवचन दे रहे थे तो एक लकड़हारा आया और लकड़हारा आया बोले महाराज जी मेरी कुछ अजीबा चल रही है मैं क्या करूँ, उनने कहा तो नमो कर्म का जप कर, नमो नियंत्रण नमो सिद्धान नमो आयण नमो अध्यायण नमो लोई सर्वसार, ठीक है। और वो जाप करने लग गया और जैसे ही जाप करने लग गया तो वो सब कुछ सुबूत भूल गया और जाप ही जाप करा जाप ही जाप करा जाप नमो और क्या सिर्फ उसको नमो अयंत्रण लगा नमो अयंत्रण नमो अयंत्रण नमो अयंत्रण कर रहा है। जैसे ही घर पहुंचा पत्नी ने पूछा लकड़ी लाए हो, नमो अयंत्रण क्या कर रहा है, बोले क्या हो गया खाएंगे कैसे, नमो अयंत्रण। तो बोले जो चूल्हे पे लकड़ी लगी है उसको ही देखे मारोगे, नमो नियंत्रण। अब पत्नी को आओ दिख रहा था गुस्सा ही, उसने क्या किया चूल्हे की लकड़ी उसको लगा के नहीं जलती लकड़ी तो क्या कह रहा है नमो नियंत्रण। जैसे उसकी लकड़ी पड़ी तो जितनी लकड़ी के जो कणगिरे जले हुए अग्नि के सारे क्या हुए सोने में बदल गए और नमो कार मंत्र के प्रभाव से क्या हो गया जो अग्नि थी वो भी सोने की अगर विचार करिए उसको मुंडाज के वचन पर श्रद्धा थी। तो क्रोध जो होता है क्रोध आना मतलब अपना स्वबोध को खोना है, हमें अपने जीवन को लड़ाई करना है तो आप उत्तम समाज के ये प्रयास करें कि कम से कम जितना बन सके उतना क्रोध को त्याग करें और धीरे धीरे जो चीज आप 10 बार करते हैं 9 बार करोगे 8 बार करोगे 7 बार करोगे 6 बार करोगे तो एक बार करते करते एक दिन ऐसा भी आएगा जब बिल्कुल भी कुछ नहीं लगेगा। आप एक काम करिए जिससे हमें क्रोध आता है शाम के दिन बैठकर समीक्षा करिए कि आज मुझे किस किस कारण से क्रोध आया तो आप देखोगे आप पाओगे कि आपने कई चीजें तो बिना कारण से क्रोध में ला दी, कई चीजें आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं थी तो भी आपने क्रोध कर दिया। आप आज से प्रयास करिए 10 दिन बाद वैसे आप लोग क्रोध करोगे नहीं उत्तम जवाब दे रहे तो प्रयास करिए कि 10 दिन बाद जो क्रोध करें किसी भी कारण से व्यवस्था के लिए कुछ तो आप देखोगे कि जो कई चीजें ऐसी मिली थी कि जहां पे बिना क्रोध करे भी काम चल रहा था तो अगली बार जब वह वस्तु होगी तो आपके मन में एक बात आएगी कि मुझे इस बात का क्रोध नहीं करना। एक बार एक महात्मा के पास एक व्यक्ति बोला होशा बोले मुनि महाराज मुझे क्रोध होता था मैं क्या करूं, बोले त्याग करो, बोले त्याग हो नहीं सकता तो बोले काम करिए जब भी क्रोध आए तो अपने घर की दीवार पर एक कील ठोक देना, क्या करना जब भी क्रोध आए तो एक कील ठोक देना तो और एक महीने बताना तो 1 महीने क्या 20 दिन बाद पहुंच गया, बोले क्या हुआ क्रोध का त्याग कर दिया, बोले नहीं महाराज जी, बोले तो क्यों आया, बोले महाराज जी मेरे घर में कोई भी दीवार का कोना बचा ही नहीं जहां पर कील ठोक सकूं। तो बोले आप सोचो कि कितना क्रोध कर रहे हो, तो उन्होंने महाराज जी का सारी कीलें निकाल दी जो प्लेन दीवार है उसमें कील ठोक दी जाए उस बार में कील निकाल दी जाए तो क्या होगा छेद छेद हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा इसी प्रकार से तुम्हारे शरीर के अंदर क्रोध करने से छेद 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 हो रहे हैं कि क्रोध करने से स्वबोध भी आता है और परबोध भी खोना पड़ता है। तो आज उत्तम समाधान के लिए आप सभी लोग प्रयास करें क्रोध का साहस
बजे यही मंगल होना जेवली उत्तम क्षमा ही। चलिए नौ जप कर लेते हैं, उसका विधान की आप आराधना करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। 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 स्वाहा। जो भी बना हुआ है उसकी रेफरेंस क्या दिया होगा, श्रेष्ठ कौन है मने में सुभाव आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।